चलिए अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें यह एक्सप्लेन करना है कि LiCl अल्कोहल में क्यों सॉल्युबल होता है और MgCl2 NaCl के कंपैरिजन में ज़्यादा कोवेलेंट क्यों होता है। साथ ही साथ हमें यह भी एक्सप्लेन करना है कि LiBr का मेल्टिंग पॉइंट LiF से कम क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो LiCl में Li+ आयन प्रेजेंट होता है जिसका साइज सबसे कम होता है और इसीलिए इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। एज द रिजल्ट LiCl एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है और यही रीज़न होता है कि LiCl अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है। और अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो MgCl2 में Mg2+ आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहीं NaCl में सोडियम Na+ आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर हम फजांस रूल को एक बार रिकॉल करें तो हमने यह पढ़ रखा है कि जिस कैटायन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और यह अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसके कारण कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। सिंस यहाँ पर मैग्नीशियम पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए मैग्नीशियम का कंपाउंड MgCl2 ज़्यादा कोवेलेंट होता है। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें डिफरेंस केवल Br- और F- आयंस का है, तो Br- आयन का साइज़ ज़्यादा होने के कारण फजान रूल के अकॉर्डिंग इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि कटायंस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को आसानी से अपनी तरफ खींच सकते हैं, जिसके कारण ब्रोमाइड आयन के कंपाउंड्स में कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। वहीं फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होने के कारण इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी और इसके कंपाउंड LiF में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे और यही रीज़न होगा कि फ्लोराइड आयन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ब्रोमाइड आयन का मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट नेचर होने के कारण कम होगा। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे।